हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं और कोरोना की वजह से 12वीं के बोर्ड की परीक्षा रद्द किए गए हैं। गुजरात में भी सीबीएसई की तर्ज पर असेसमेंट फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्णय कपूर। निर्णय, जो फॉर्मूला लागू किया जाएगा उसके तहत क्या तैयारियां की गई और कब तक आपको लग रहा है कि ये असेसमेंट करके रिजल्ट आ जाएंगे? देखिए, आज ही अभी ये फैसला लिया गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गुजरात सरकार ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी और इनफैक्ट अभी दो दिन पहले ही गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया था कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से उसका करिकुलम भी अनाउंस कर दिया गया था। यानी गुजरात सरकार पहले परीक्षा करवाने के मूड में थी और ये भी कोशिश की जा रही थी कि कैसे पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके। एक ये भी विचार हुआ था उस टाइम के विद्यार्थियों को वैक्सीनेट किया जाए पहले और जल्दी से जल्दी, लेकिन फिर सवाल ये उठा था कि एक डोज सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। इसके बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज थे, अभी सरकार उन्हीं से जूझ रही थी और ऐसे में जब कल केंद्र सरकार का ये निर्णय आया है तो अपने आप में एक प्रेसिडेंट बन गया वो, जिसके आधार पे आज गुजरात सरकार ने एक फाइनल डिसीजन लिया और इन परीक्षाओं को अभी कैंसिल किया गया। और क्योंकि अभी अभी ये डिसीजन लिया गया इसलिए क्या गाइडलाइंस बनेगी ये अभी तय नहीं हो पाए, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि सेंटर जिस तरह से गाइडलाइंस तैयार करेगा, असेसमेंट का फॉर्मूला जो एक वर्कआउट किया जाएगा, आप जो कह रहे हैं उससे ये पता लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल बैठक के बाद फैसला लिया था कि सीबीएसई की बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, उसी की तर्ज पर अब बाकी जो तमाम राज्य हैं फैसला ले रहे हैं और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल रद्द किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परीक्षा पर चर्चा जारी है और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सुपर 30 के आनंद कुमार और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कॉम्पिटिशन के लिए कैसे तैयारी करें। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।